नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर देश के कई हिस्सों में कार्यक्रम हो रहा है। आज सुबह दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मारक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। वाजपेयी जी की याद में यहां प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। वैसे तो देश के इस भारत के महामानव अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के बारे में जितनी बात करें कम है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम किए थे जिसके कारण आज भी लोग उन्हें हर पल याद करते हैं और सभी के दिलों में उनके लिए काफी इज्जत भी है। अटल जी अपने भाषण और अपनी कविताओं के लिए तो जाने ही जाते थे, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि अटल जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इंटरनेट का उपयोग करने की शुरुआत की थी। जी हां, आज देश के दिग्गज राजनेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता तक सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमकर इस्तेमाल करते हैं। जी हां, देश के प्रधानमंत्री भी सोशल मीडिया पर खूब फेमस हैं और साथ ही सोशल मीडिया भी एक जरिया है पीएम नरेंद्र मोदी और देश के नागरिकों को जोड़ने का। लेकिन ये तथ्य कम लोगों को मालूम होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे प्रधानमंत्री और दिग्गज नेता थे जिन्होंने चुनाव प्रचार के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया था। पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की आज 95वीं जयंती है। करीब 20 साल पहले जब इंटरनेट अपने शुरुआती दौर में था, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ में अपने चुनाव प्रचार के लिए पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल किया था। साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी, लेकिन जयललिता के समर्थन वापस लेने के बाद करीब 13 महीने बाद ही 1999 में ये सरकार गिर गई। इसके बाद 1999 में फिर से आम चुनाव का ऐलान हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी तब के संसदीय चुनाव में अकेले ऐसे उम्मीदवार थे जिनका प्रचार न केवल रियल बल्कि इंटरनेट के वर्चुअल माध्यम से भी किया गया था। 27 जुलाई 1999 को उनके चुनाव प्रचार पर केंद्रित एक वेबसाइट voteforatal.com का उद्घाटन यूपी के बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी नेता और फिल्म स्टार विनोद खन्ना ने किया था। इस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी को जीत मिली थी। संयोग से चुनाव प्रचार के लिए लखनऊ आए नरेंद्र मोदी भी जब यूपी कार्यालय पर मौजूद थे। ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट के चेयरमैन एवं लखनऊ के समाज सेवी मनीष खेम का इस वेबसाइट की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा थे। उन्होंने बताया, जिस दिन इस वेबसाइट का उद्घाटन यूपी के बीजेपी मुख्यालय पर प्रस्तावित था, संयोग से नरेंद्र मोदी भी उस समय वहां मौजूद थे। नरेंद्र मोदी ने ही किसी चर्चित चेहरे या प्रदेश के किसी बड़े नेता से इस वेबसाइट का उद्घाटन कराने की सलाह दी थी। फिर फिल्म स्टार विनोद खन्ना का नाम तय हुआ जो तुरंत ही वहां पहुंचे थे। विनोद खन्ना की वजह से ही इस इवेंट को अच्छी मीडिया कवरेज भी मिली थी। गौरतलब है कि भारत में इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को तब आरंभ हुई जब विदेश संचार निगम लिमिटेड ने अपनी टेलीफोन लाइन के जरिए दुनिया के अन्य कंप्यूटर से भारतीय कंप्यूटरों को जोड़ दिया। जनसामान्य के लिए इंटरनेट विदेश संचार निगम लिमिटेड के गेटवे सर्विस के साथ ही आरंभ हुआ। सन 1998 में सरकार ने निजी कंपनियों को इंटरनेट सेवा क्षेत्र में आने की अनुमति दे दी। इसी साल देश की पहली साइट indiaworld.com आरंभ हुई। 90 के दशक में बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ संसदीय सीट से मैदान में उतरकर जीत का जो सिलसिला शुरू किया था, फिर वो थमा नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी यहां से लगातार 5 बार 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में सांसद चुने गए। तो आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।